अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बकरा मंडी। तो आज हमने बकरा लेने के लिए जाना था। तो ये है ईद से एक दिन पहले का व्लॉग। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो ये देखिए, यहाँ हम बकरा मंडी आए हैं और ये देखिए कितना क्यूट सा ये गोट था। ये बेसिकली कुछ बेबी थे गोट्स के और कुछ बड़ी बड़ी गोट्स थी। तो हमको पहले तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई ढूंढने में। तो ये एंड में हमने फाइनलाइज किया ये गोट को। ये हमारा बकरा जो पीछे बैठाया था, और ये मैंने अपनी मेहंदी खुद लगाई है। मैं हमेशा अपनी मेहंदी खुद ही लगाती हूँ, और मैं मामा को भी लगाती हूँ और हम को भी लगाती हूँ। तो ये था मेरा डिज़ाइन जो मैंने ढूंढा है और लगाया है, और आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना कैसे लगा। तो गाइस, रात के 12 बज चुके हैं और हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और आप देख सकते हैं हम नूडल्स बना रहे हैं इन द मिडल ऑफ द नाइट। सो अभी ये देखिए, मैंने सॉस और नूडल्स को डाल दिया है, और अब मैं इसकी बाकी चीज़ें भी डाल के बताती हूँ। ये है ऑयल, नूडल्स का ऑयल, तो मैं अभी ये डालती हूँ। और गाइस, अभी मैं इसका सोया सॉस डाल देती हूँ नूडल्स वाला। तो ये देखिए गाइस, हमने इसको स्टेयर कर लिया है, और ये मुजम्मल है और यहाँ बाहर है। और अभी हम बहुत ज्यादा हंगरी भी हैं, और कल ईद का पहला दिन है। सो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हमने अपने ड्रेसेस रेडी करनी है, ज्वेलरी भी, हम आपको वो भी बताते हैं। देखिएगा इस मेरी मेहंदी और मेरी दूसरे हैंड की मेहंदी, और ये रिहाम की मेहंदी है। और गाइस, जब हम सदका करने गए थे तो आंटी बोलती है रहाम की मेहंदी बहुत माशाल्लाह से तो अच्छी है। मुझे खुद के रहाम की मेहंदी माशाल्लाह से अच्छी लगी है। अभी एक मास्टर मेहंदी बनी, मास्टर पीस। वही देखे मुजम्मल क्या कर रहे हैं। जबर सोया सॉस फ्रिज में लग दो। फ्रिज गाइस, हमारे नूडल्स बॉइल होना शुरू हो गए हैं। अभी हम स्टोव को ऑफ कर देते हैं, और अभी हम इसको दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। देखिए गाइस, हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं, और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहे हैं। सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्म है। और अभी हम इसको बाहर दिखाते हैं। इन सब में से एक हमने चूज करना है, सो लेट्स सी। ओके, सो गाइस ये देखें, अभी हम इसको नूडल्स को इसके अंदर डाल रहे हैं। सो गाइस, ये देखिए हमारे नूडल्स रेडी है, और अभी हम बाहर चलते हैं इसको लेकर। गाइस, मामा पापा सो रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं हम अपने नूडल्स खा रहे हैं। तो हमने आस्था बोलना सॉरी अगर आप माइंड ना करें, इसलिए ये मामा पापा सो रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं 12 बज गए हैं, एंड वी आर लिटिल बिट स्केयर्ड। हम सारी घर की लाइट्स ऑफ कर रहे हैं, नूडल्स खाते हैं। सो रात का थोड़ा मज़ा आए। लाइट ऑफ कर किचन की, बेडरूम की लाइट ऑफ कर। ओके गाइस, आप देख सकते हैं गाइस, अभी पूरा अंधेरा पड़ चुका है, और अभी हम खाना खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख सकते हैं हमारा खत्म हो गया। अभी है सूप की बारी। सो गाइस, अभी हमारी सूप की बारी है। इट्स काइंड ऑफ हॉट, आप देख सकते हैं इसमें स्मोक आ रही है। तो अभी हर्षा ट्राई कर रहा है। स्पाइस के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। गाइस, आप देख सकते द टाइम इज़ 12:25 और ऑलमोस्ट 12:30 होने वाली है। हमने फटाफट अंदर जाना, आपको मैं बता दी तब टाइम। ये सब हम इसको भी फिनिश कर गए, आपसे मिलते हैं। मुजम्मल, आपको ऐसा फील हो रहा है मुजम्मल? अच्छा, अभी शूज पहनते हैं। ये हमारा रसगुल्ला, बचाला का जाते दिन है। ये उसका फूड है, ये उसका खाना भी है, पानी भी है,
और अभी ये रसगुल्ला है। रसगुल्ला, ओह गाइस, ही इज मिसिंग द वॉशरूम। तो गाइस अभी सोने चलते हैं, इट्स टू लेट। सो गाइस अभी हम अपने बेड में आ गए हैं, अपने अपने कंबल ले लेते हैं। वो रेहाम है और ये हाशर है, और ये हाश का टेडी है। आई डोंट टेक एनी टेडी। एंड वो रेहाम है, आपको मैं जूम करके बताती हूँ। रेहाम की आई बहुत स्केरी लग रही है वेनम की तरह। ओके गाइस अभी हम सोते हैं, इंशाल्लाह आपको कल ईद के दिन मिलते हैं। तो गाइस अभी हम देखिए हम बाहर आए हैं ईद के लिए। तो घर में हमने कुछ करना नहीं था, तो हमने सोचा बाहर चलते ईद के लिए। ईद वैसे भी दो बार ही आती है पूरे साल में। सो ये देखिए हमने खाना खाने से पहले हम थोड़ा सा स्नैक हमने ले लिया, और अभी हम देखिए अभी हमने सोचा है कि कोई मॉल में जाते हैं, बिकॉज इट्स सो हॉट आउटसाइड। एंड हमने सोचा कोई इनडोर मॉल में जाते हैं, आउटडोर में मज़ा नहीं आएगा, इसी गर्मी है बहुत आती। सो ये देखें अभी हम जा रहे हैं अजमान शाहजहाँ की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है, और ये बाबा ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी देखें इतना रश नहीं है ईद के दिन, यहाँ फील नहीं है। बाकी वो मॉल्स में इतना ज़्यादा रश था, दुबई मॉल और जो बाकी मॉल्स हैं उनमें हमने देखा था बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने सोचा कोई नया मॉल में जाते हैं जहाँ हम कभी नहीं गए। सो आप ये देख सकते हैं हाशिर फ़ोन साथ खेल अपने, और मुजम्मल ड्रिंक पी रहे अपनी, और ये रेहाम है विंडो के पास बैठी है। तो ये हम एक मॉल में आए थे, आई थिंक सो इट्स नेम इज सिटी सेंटर समथिंग लाइक दिस। तो ये देखें अभी हम इसके अंदर भी जाते हैं। तो एंट्रेंस में ही आते हुए हमको एक मिली थी फर्नीचर शॉप, तो हमने सोचा इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी शॉप है, और यहाँ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, और यहाँ बहुत प्यारी डेकोरेशंस पर ही हैं। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, आप लोग प्राइस भी देख सकते हैं, लिटिल एक्सपेंसिव था लेकिन है बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इधर। सो हम यहाँ क्वाइट बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कि कोई और जगह चलते हैं, और अभी ईद का टाइम भी हो गया पापा का ईदी देने का। बाबा मैं पहले बोल रही हूँ, मुझे पहले पैसे दें। ये कौन से पैसों की बात कर रहे हैं आप? ईद के पैसे। आप लोग ने नहीं नहीं, हमको ईद के पैसे चाहिए, और मुझे दादी मिलने चाहिए, मैं बोल रही हूँ। आपको ज्यादा मिलने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। मुझे चाहिए। अब हर्ष की बारी। वाह जी वाह, बड़े पैसे। ये बच्चे की खुशियाँ देखें, बच्चों की खुशियाँ चेक करें। मेरे अच्छी चीजें लेंगे, अपनी रूम को डेकोरेट करेंगे। जी लगी और गाइस अभी हम अपने रूम की चीजें और आपके सरप्राइज है। हाँ। तो गाइस अभी हम आए थे नेस्टो, आई थिंक सो नेस्टो के कोई ऐसी चीज दुकान का नाम था, आई फॉरगॉट। तो गाइस यहाँ हम अपनी डेकोरेशन देखने आए हैं घर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हम अपने रूम की डेकोरेशन लेंगे जो हमारे ईद का मनी होएगा, और हाफ मनी हम थोड़ी चीजियाँ चुजियाँ खाएंगे, और जो बबल गम और वो बाकी चीज़ें हैं, और बाकी के पैसों से हम अपने रूम की डेकोरेशन करना चाहते हैं इस बार। और अगर आप देखना चाहते हैं हमने क्या क्या लिया, कैसे हमने किया, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो हमने डाला है कि हमारा रूम कैसा लगता है आफ्टर ऑल डेकोरेशन वी बॉट। सो गाइस अभी ये देखें हम कुछ चीज़ें जैसे कि मैं आपको बताई हैं हम देख रहे थे, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये हमने कंटेनर देखे थे, ये स्टोरेज कंटेनर है, यहाँ अभी आप इसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं अपने हर लिपस्टिक्स पोनीज एंड ऑल चीन थिंग्स। सो मैंने येलो लिया था, रेहाम ने पिंक। तो ये मामा और मैं ये कारपेट देख रहे हैं रूम के लिए जिसका कलर मैच करता है। तो ये देखिए मामा ने ये कारपेट के साथ ये मैट मैच किया है, ग्रेश कलर का और वाइट कलर का कारपेट है। सो ये देखिए हमने डन कर दिया इसको, तो अभी हम इसको अपनी ट्रॉली में डाल देते हैं। ये देखिए हमको मिला है हाशर, मैं हाशर को
प्रैंक करने वाली हूँ। मैंने बोला हर्ष को देखें, हर्ष डर गया। ये कप था जिसके अंदर फेक जूस था और ऐसे स्प्लैश कर, तो ये देखिए मुजम्मल कितना ओवर ड्रामा कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, पैसे काटो मुजम्मल से। तो ये देखिए रेहाम, रेहाम की आइज ब्लिंक हुई है। तो रेहाम ने ये अंदर के जहाँ अभी हम गए थे उस स्टोर से रेहाम ने ये बॉल लिया है, ये ग्लो इन द डार्क बॉल है। सो ये देखिए ये ग्रीन कलर का रेहाम, देखिए रात का टाइम हो चुका है और रेहाम अपने ही बॉल के साथ कुछ खेल रही है। तो गाइस और अभी ये देखें, मैं आपको वजह से बता रही थी रात का टाइम हो गया है, देखिए कितनी ज़्यादा रात हो गई है और हमने सोचा थोड़ी हम नमाज़ पढ़ लेते हैं मगरिब की। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हम जा रहे थे घर, तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अभी थोड़ी शॉपिंग रहती है, तो हमने सोचा कि वो कल आगे ले जाएंगे। आप ही देख सकते ट्रक में बेबी की फ़ोटो बनी हुई है, कितनी अच्छी है, लड़के की, सॉरी नॉट बेबी इट्स अ बॉय, तो यहाँ बॉय की फ़ोटो बनी हुई थी। देखिए हम घर आ चुके हैं और मैं लोगों को शॉपिंग बताती हूँ। ये देखिए ये स्टोरेज बॉक्स है मेरा, कलर है हम का है, हम उठा के दिखाओ। ये देखिए गाइस, और इस सारे क्लिप में मिलेगी जैसे आप ऐसे चिपकाएंगे ऐसे, आपको दो मिले इधर और ये मेरा लेमन है और ये हम का एप्पल पाइनएप्पल टाइप का कुछ है। तो ये मिरर लेके आई है फनान, बड़ा प्यारा बना हुआ है, पिंक कलर का बहुत प्यारा बना हुआ। यहाँ पे ये मैम ने ग्लास ली है, बड़े प्यारे बने हुए थे, सिक्स पीसेस है, बहुत प्यारे हैं। ये गाइस हमने कारपेट लाया है, ये देखते हैं कितना प्यारा डिजाइन है, बच्चों के रूम के लिए कारपेट लेके आए। तो ये देखिए हमने इसकी मैचिंग की है, ये मैचिंग इसकी है, ये रस्ते में आएगा, रस्ते में और मेरा इधर लास्ट में जो है वो मेरा और हाशा का कुशन दोनों का, और ये रहा रेहाम और जो लास्ट वाला नीचे है मुजम्मल का, ये मुजम्मल। आप बताएं कमेंट्स में किसका ज्यादा अच्छा है। और ये रेहाम के लिए हमने लिए है, ये रेहाम का मैट है उसके बेड के पास रखने के लिए, उसकी सीढ़ी है, तो रेहाम को भी नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी ऊपर चढ़ने में। पूरा मेरी की चेन है ऐसे और एक फोन नीचे है, साउंड भी है, एडजस्ट करके बताएगी। ये हमने पेंटिंग ली है रूम के लिए, ये भी आपको लगा के जरूर बताते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने अपना लैपटॉप रखा है, ये है मेरे बेड के साथ ये कॉर्नर्स, ये ड्रॉवर, तो यहाँ मैंने अपना लैपटॉप रखा, मिरर के साथ अपनी कीचेन भी इधर लगा दी है, जब तक स्कूल जाती हूँ मैं अपने बैग में लगाऊंगी उसके बाद। तो अभी हम जा रहे थे बाहर खाना लेने के लिए, तो हम जल्दी जल्दी खाना लेके आपको बताते हैं। सो गाइस अभी हमने बैतुल मंदी से ये लाए हैं राइस, यहाँ के बहुत टेस्टी राइस होते हैं और हमारे घर से बस 2 मिनट का इसका फासला है बस। तो ये देखिए मामा रिकॉर्डिंग कर रही हैं और ये मैं चटनी इसके ऊपर डाल रही हूँ राइस के ऊपर, ग्रीन वरी हमारी सबसे फेवरेट है जो मैंने अभी डाली है, और रेड वरी बाबा की फेवरेट है, वो थोड़ी स्पाइसी सी है। और ये देखिए हाशिम मुजम्मल अपना अलग ही खा रहे थे, बाबा ने बोला नहीं सब एक ही ट्रे में खाते हैं। सो ये देखिए अभी हम सब एक ही ट्रे में खा रहे हैं, बाबा खाना डाल रहे हैं और चावल, ये बहुत ही टेस्टी राइस होते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही लेते हैं जब भी हमको थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना हो। तो ये देखिए मैंने सेटिंग कर ली है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी मामा और मैं अभी सेटिंग कर रहे हैं, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। सो ये देखिए हमने थोड़ी पेंटिंग सेलेक्ट की थी, और ये देखिए हाशर भी, और ये मेरा है ब्लैंकेट, और ये स्टोरेज बॉक्स जो मैंने आपको बताए थे, और ये स्टोरेज हुक भी है, ये हमारी पेंटिंग लग चुकी है, और ये हमारा बेड है। देखिए कितना ज़्यादा मुझे अपना ब्लैंकेट और अपना कम्फर्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये देखिए मैंने अपना स्टोरेज बॉक्स को भी फुल कर दिया है, अभी उसको मैंने और ज़्यादा फुल किया है, और ये मैंने न्यू ईयरिंग का सेट लिया है, और ये रेहाम का देखिए फुल स्टोरेज फुल है रेहाम की। और अभी हमने ये लूडो गेम भी ली थी, तो ये देखिए हम साथ में लूडो खेल रहे हैं, और अभी देख सकते हैं सब चीज़ मुझे मतलब 5 है 1 2 3 4 5 ओके ओके हम रिहाम का गाइस मैं सुपर फास्ट और मैं आपको बता दूं गाइस ये मेरे बेड में गेम हो रही है 1
तो गाइस अभी देख सकते हैं हमारा रूम सेट हो चुका है एंड इट लुक्स सो 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 ब्यूटीफुल। ये देखिए हमारा बेड का कलर एंड द पिलोज एंड हमने ये नेक वाला पिलो भी लिया है और ये हमारे फुल पेंटिंग हमने सेट की है और ये देखिए मेरा मिरर भी है और ये कारपेट हमने डाला है। देखिए कितना ज़्यादा ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखिए मेरा स्टोरेज बॉक्स अभी मैंने जो कि फुल कर दिया है। मैंने उधर लास्ट में एक छोटा सा हुक डाल के अपनी वहाँ बैंगल्स लग दिया और ये रेहाम का है। आपको बताएं, आपको उम्मीद वीडियो पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।